आप इन्हें एक प्लीज ट्यूटोरियल दीजिए। मुझे ब्रश का यूज बता दे, कुछ दिन मैंने ब्रश को तो इसकी मम्मी पापा एक कर देते, मैंने इनके ब्रशेस की क्लीन करूंगा, बट इसे जाकर ना पिंक करो, ये मुझे सामान नहीं दिलाएगी, देख लो प्लीज। हम आपको एलैबोरेशन देंगे इसका, ढक्की रख लो, हिलो और लख लो, बस कुछ खुद नहीं करना चाहते, हिलो और लख लो। देखो हमारे आगे मुर्गी, इधर दिखाई जरा, सुबह जब मुझे उठाने आई तो इतना बड़ा लोटा भर के लाई, 4 इंच का मग्गा, मैं को चाय नहीं डुबाने दे रही। पहले सच्ची बोलो। हाँ खिलाती है, बिल्कुल खिलाती है, लाओ चाय तो। Hey what's up guys, welcome to today's vlog। भाई दोपहर के बजे 2:21 डिले हो गया व्लॉग स्टार्ट करने में, वो तो मेरा हमेशा ही हो जाता है, आप यही कहोगे ये रोज की रोज एक ही डायलॉग चिपकाता है हमें। अभी मैंने अभी एक रील अपलोड करी, ऐसे ही बैठ के मेरा मन सा करा, मैंने सोचा चलो बना दी जाए। अभी मैं मतलब पहले 3-5 दिन पहले करीब मैंने अपनी एंट्री डाली थी एंगेजमेंट में, मैं इसकी वीडियो जो थी उसे अभी एडिट कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं पहले अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, उसके बाद जो व्लॉग आज डलेगा शाम को 1 तारीख को, वो मैं जो 30 तारीख का व्लॉग डलेगा फिर उसको एडिट करूँगा बैठ के। पता है अभी क्यों स्टार्ट किया, हमारी मैडम को आज दोबारा शौक चढ़ा है काहे का, मेकअप का, है ना। आप इन्हें एक प्लीज ट्यूटोरियल दीजिए। हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज मेकअप सेशन, और हम आपको एक अपने न्यू इन्फ्लुएंसर से मिलाने जा रहे हैं, हम इनके जरूर रील्स स्टार्ट करेंगे इस चीज़ की IGTV पर। आप कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपसे यूट्यूब टीवी पर हम ये डालेंगे नहीं, तो आपकी IGTV पर डालेंगे ये चीज़ें। हाँ, पर पहले मुझे ब्रश का यूज बता दे, कुछ दिन मैंने ब्रश को तो इसकी मम्मी पापा एक कर देते, मैंने इनके ब्रशेस की प्लीज ब्रशेस का यूज एक बार बता दे, देखा फिर इसमें नाक नाक मंजन वाला दिखा दूंगा, पता है बिना मंजन वाले से कर देते, देखो इससे बता दे यार, मेरे को करने दो, मैं कुछ पहले बता, पहले बता, पहले बता, पहले बता, पहले बता, मैं जा रहा हूँ। देख रहे हो भाई साहब, लड़की लगी पड़ी है, मैंने इससे कहा कि हमारे जो 30 दिन का तूने चैलेंज दिया था वो कंप्लीट होने वाला है, एक्चुअली 46 ब्लॉग्स पे वो कंप्लीट हो जाएगा, 16 ब्लॉग डाल चुका था उससे पहले छोड़ छोड़ के एक एक दिन दो दो दिन, तो मैडम ने मुझे एक ज़बरदस्ती, अगर आपको स्टोरी नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, मैडम ने मुझे ज़बरदस्ती ब्लॉग का चैलेंज दे दिया कि एक काम करो तुम इसमें लगे रहते हो, मेरे को टाइम नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तुम चैलेंज क्यों नहीं ले लेते, हिम्मत है तो चैलेंज लेके दिखाओ 30 दिन का, तुम्हारे भाई और जीजा ने कुछ भी कर लो, भाई जीजा सारा कुछ भी बना लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वो चैलेंज कर दिया कंप्लीट। अब इसे करना पड़ेगा ऑर्डर, अब ये यूँ करिए, मैं ऑर्डर क्यों करूँ, गाड़ी में अभी मैंने एसेसरीज नहीं लगवाई, गाड़ी नहीं ली हमने, ये नहीं करा वो नहीं करा, ऐसी बात नहीं है भाई, चैलेंज पूरा करना पड़ेगा तेरे को, इग्नोर मारती है। अगर आप लोग चाहते हो ना इसे इंस्टाग्राम पे जाके ना तंग करा करो, देखो ना इसने अभी तक मेरे को 2-3 चीज़ें रुकवा रखी है, पता है वैसे अभी मेरी तब भी डांस रह रहा है, आई नो डांस करूँगा मैं, डोंट से कि नहीं करूँगा, बट इसे जाके ना पिंक करो, ये मुझे सामान नहीं दिलाएगी, देख लो प्लीज। ये इतनी जाली मोहरत है, मैं यहाँ इसकी एडिटिंग कर रहा हूँ, लैपटॉप ला के रख दिया यार, कहती है शांति में चला ले इसे, ऐसा कौन बोलता भाई, देखो ये प्यू प्यू प्यू। आपको ना एक राज की बात बताऊँ भाई साहब, आँख पे आई शेडो का पैलेट का वो कलर सा लगा के आके आँख बंद करके दिखा रही है, अब जब समझ ना आए ना, पता है बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मुँह बंद करो, सही बता रहा हूँ सबसे अच्छा तरीका, आँख बंद करो, ये भी नहीं, ऐसा नहीं, पास पास चली जाएगी, खुद देख ले। मैं आपको अपने यहाँ के ब्यूटी इन्फ्लुएंसर की झलक दिखाना चाहूँगा, मैडम दिखाइएगा, देखिए हम आपको एलैबोरेशन देंगे इसका, गिव मी अ सेकंड, या प्लीज हेयर इधर इधर इधर, हाँ इधर देखिए, इधर तो देखिए यार, रुके तो आँख बंद कीजिए एक बार, देखिए ये साइड में, अरे आँख बंद कर, देख लो यहाँ पर को, अरे ये ना यहाँ पर आँख में ऐसे ग्लिटर लगा लिया, किसी बच्चे ने ना ऐसे यूँ भर दिया हो चौक लेके, मतलब मैंने कहा मैं घर में कड़ी बनी, अभी कड़ी खा के आता हूँ, कहती है खीर खा था पहले, हाँ मतलब कड़ी है खीर भाई दोनों पसंद है, मुँह से कहते हैं चल मैं खीर खा के आता हूँ, मैं इनकी शक्ल देख रही हूँ कि घर में खीर कब बनेगी, कहते नहीं नहीं कड़ी खा के आता हूँ, हाँ तो घर में बनी है, घर में तो खाता हूँ, पता है भाई साहब बाजार में जाके ये लड़की ना ये आलू गोभी और कड़ी पकौड़ा चाहिए इसे, कम से कम तेरी तरह नहीं हूँ मैं, बाहर जाके पैसे फूक रहा हूँ कड़ी पकौड़े और आलू गोभी में, आज मुझे मौका मिल गया, देखो अभी उठा रही हूं, देखो देखो देखो, मतलब मैंने इसे ये टेबल दी है, ये टेबल से आप संतुष्टि नहीं है, झूठे आदमी,
खुद ने अपना सामान फैला रखा क्यों, था क्यों, क्यों, अभी भी सामान हटा क्यों संतुष्टि क्यों नहीं है वो देख ऋषु देख रहा है क्या हो गया वो करा हेलो कर दे पता है ऐसे संतुष्टि उस टेबल पे नहीं हुआ है यहाँ पे फैला दिया सारा और प्लस यहाँ पे देखो मेरा पैलेट था तो गिर गया उसका वाटर कलर गिर गया ऋषु वाटर कलर ये देखो ये देखो ये फैला रखे हैं यहाँ पे प्लस ये देखो दांत मांजने का ब्रश कैनवास पेंट करने का ब्रश ये लैंडस्केप ब्रश करने का ब्रश और ये साइड की डिटेलिंग देने का और देखो गाड़ी की चाबी भी यहाँ रख रखी है मैडम ने सारे सामानों छुपा के उसे ढंग की जहाँ रख लो हिलो और लख लो बस कुछ खुद नहीं करना चाहते हिलो और लख लो देखिए उसे दिखाइयो ए तेरी कल रील कल ना तेरा IGTV बनाऊंगा पूरा ठीक है देखते अगर चल गया तो रोज IGTV पर कुछ ना कुछ सिखाइयो ठीक है मैं खुद तो सीख लूँ पहले पता है जब शादी हुई थी ना भाई साहब स्टार्टिंग के 10 दिन मुझसे रोज सिंदूर डलवाया है अब ना खुद डाल खोला टक अब मैं डाल दूँ क्या तुम ना अच्छा नहीं डालते मैंने ना जस्ट अभी ना 3 से 4 रील्स टाइप बनाई है छोटी छोटी ऐसी आज मन सा कर रहा था तो भाई साहब मैंने अभी कड़ी खाई तो ये पता है मैडम क्या बोलती है क्या बोल रही थी तू कड़ी को पोटी वाली बता रही है मतलब किसी का खाने से पहले भी जबकि उसने बनाई है खाने से पहले ना मूड खराब मन खराब कर दे इंसान ऐसा असली यार पिछले आधे घंटे से ना बाल बनाने में लगी पड़ी है देखियो दिखाई जरा कौन से बाल बनाए तुमने अपनी का देखो हमारे आगे मुर्गी इधर दिखाई जरा आज हमारे खाने में है सिरके की प्याज ये कटहल और पकौड़ी वाली कड़ी और ये हमारी बीबी खाने में नहीं है मेरे साथ है आपको पता है किसी ने चिकन नहीं खाया हो और वो जानना चाहता है कैसा लगता है टेस्ट करने में तो भाई कटहल खा लो डिट्टो टेस्ट ऐसे मतलब चबाने में चू करने में वैसी ही फीलिंग आती है पता है आपको मैडम तो जिसने नहीं खाया वो कटहल खा के देख लो पता चल जाएगा मतलब मेरी बीवी का चल रहा है इस टाइम स्नैक्स है बीवी कौन सी कप चाय पी रही है तू कहाँ से मतलब सुबह जब मुझे उठाने आई तो इतना बड़ा लोटा भर के लाई 4 इंच का मग्गा फिर उसके बाद जब बाहर आई तो फिर मम्मी के साथ 2 इंच का पक पिया अब फिर से 2 इंच का पी रही है बीच में बना खा दिया मैंने एक बार एहसान आपका अब उसके साथ ना जीजा बिस्कुट देखो इतने सारे 10 बिस्कुट निकाल के लाया था मैंने सिर्फ 2 खाए 8 के 8 फैल गई मोटी पता है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसमें मेरी प्यारी सी बीवी में लंगूर जैसी में बंदर जैसे में मैं भी बंदर ही बना मतलब कोई दिक्कत नहीं है बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है अगर तुम आइसक्रीम दोगे तो आइसक्रीम जितनी आपने खा ली उसके बाद आपको नहीं मिलेगी आप पॉपकॉर्न लोगे तो उसके साथ भी यही है कुछ भी देंगे आपको यही मिलने वाला है अगर यही नहीं मिलने वाला हाँ वो नहीं मिलने वाला अगर आपने जो बचावा दिया है अगर आपने ये चीज उल्टा कर दी तो आपको ताने मार मार के ऐसे मार मार के खून पी लिया जाएगा और मैं उल्टा जो नहीं बता रही कि मैं खा रही होती तो साथ में साथ को खिलाती हूँ ओह माय गॉड टूरू लोब नहीं खिलाती तुम्हें तो पता है मेरी बीवी ने वैक्सीन बनाई आज मैंने आपको बताया था ना शॉर्ट्स में सच्ची बताओ पहले खिलाती हूँ कि नहीं तो कभी नहीं खिलाऊंगी मेरा बिस्कुट दे मैं चाय ले रही हूँ मैं को चाय नहीं डुबाने दे रही पहले सच्ची बोलो हाँ खिलाती है बिल्कुल खिलाती है लाओ चाय तो और चाय पीते ही बना कर नहीं करूँगा नहीं करूँगा तुम्हें पूरा भरोसा एक नंबर झूठा इंसान हो तुम बिल्कुल नहीं खिलाती झूठ बोल रही थी देखा मैं जानती अपने पति को भरोसा लाया कि नहीं मैं बंद कर रहा था मैं ना वीडियो बंद करने जा रहा था क्या कह रही थी तो भरोसा लायक नहीं हूँ मैं यार भी भरोसा लायक नहीं है कोई नहीं अब तो शादी कर ली अब तो करम फूट गया तेरे फिर ये गौर से देखें इस पीछे से जाती हुई परछाई को ये कभी कभार ना भूत जैसा सिग्नल दे देती है पता चला मैं घर में अकेला बैठा हूँ काम करूँ पीछे से गुजर है ना इसने ना मैं कल गेम क्या खेल लिया 2-3 बार लेके इसने गेम उड़ा दिया कह रही है अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो मैंने कहा मैं अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं करूँगा मैं व्लॉगिंग के लिए रखा है सिर्फ मोबाइल हंस दी रात को दिया लेके निकल जाएगी ना ऐसे घर में मैं डर जाऊँगा पीछे वीडियो में कुछ चली जाएगी तो मैं अपनी बीवी को कह रहा था जब भी तू व्लॉगिंग करे या वीडियो बनाए थोड़ा ना आवाज़ तेज रखा कर बुलंद रखा कर क्योंकि इसकी आवाज़ ना ये प्यार प्यार में सॉफ्टली सॉफ्टली बोलती है आवाज़ ढंग से कैप्चर होती नहीं अभी इक्विपमेंट से दिलाएगी क्योंकि जब ये अपना 30 डेज चैलेंज जो है हार जाएगी तो इक्विपमेंट से ऑर्डर करेगी मेरे लिए कहती है अब्बा डब्बा चप पकड़ के ओपनिंग करा करूँगी है बे मुझसे कहती है आपने मेरा मोबाइल देखा है क्या वही इसका हमेशा का जो है ना मोबाइल ले आओ इसमें अपना मोबाइल नहीं मिल रहा कहीं का कहीं रख देती है भूल जाती है फिर एक चीज़ बता ये देखो इसने मेरे पीछे जब मैं सो रहा था कुरकुरे खाए होंगे
इसमें इसने छोड़े हैं 4 कुरकुरे। क्यों छोड़े हैं भाई? आप सो रहे थे इसलिए आपका शेयर छोड़ दिया। मैंने आपको बताया था ना ये ना इनमें से है, पूरा पैकेट खा लो, मुझे थोड़ा सा चुगूसा दे देगी ताकि मैं कुछ कहूँ ना, है ना। अरे टेबल पे ना मेरे जो एक मोबाइल स्टैंड है, मतलब जो मेरे पे ट्राइपॉड है, उसके नीचे दबा के रखा हुआ है। क्यों भाई? अच्छा पता है, देख रहे हो इतना गंदा इग्नोर करती है ना मुझे। मैं मन करता है इसको मुंह में कुरकुरा दे दूँ। आपने कभी इतना गंदा इंसान देखा है? मतलब वहाँ से आ रही है मोटू, मैं कुछ नहीं बोली तो मेरा पैर बीच गई मोटी, हाथ नहीं कहीं की। मतलब अपने चप्पल चढ़ा गया फिर कह रही मुझे जवाब लेना आता है, मजा आया। बदला लिया जाएगा, अब लिया जाएगा बदला। हेलो हेलो मिशन सक्सेस यो। तो अभी बजे हैं शाम के 7:30 और मैं जा रहा हूँ जिम करने। डिले हो गया आज क्योंकि ऑफिस, मतलब ऑफिस का तो काम मैं कर नहीं रहा था फिलहाल, अब करने बैठूंगा। उससे पहले मैं अपना व्लॉग का काम कर रहा था। मैडम, ए मैडम सुन रहे, देखो ये क्योंकि सब पता ना मैं क्या बोलूँगा। 46 व्लॉग होने वाले हैं, सुन रहे हो? और जो आपने चैलेंज दिया था ना वो हो गया क्रॉस, तो आपको अब करानी पड़ेगी शॉपिंग। करवा दोगे का? आपको पता है जिसने व्लॉग नंबर 16 नहीं देखा ना, मैंने नहीं देखा, तो तू बाहर जा। व्लॉग नंबर 16 देखना, चलो गुजरात छोड़ के आओ, चुप हो जा। व्लॉग नंबर 16 देखना, इसने मेरे को ना 30 चैलेंज दिया था व्लॉग का, अब वो हो गया क्लियर इस वीडियो के साथ। तो मैडम इस वीडियो के साथ इसलिए क्लियर हुआ क्योंकि कुछ ओपनिंग मैंने कर दी थी, समझे? हाँ। इसमें आपका अकेले का हाथ नहीं है, इसमें मिली जुली सरकार है, तो हम गिफ्ट खुद को देंगे। ठीक है, हम खुद को गिफ्ट देंगे बट दिलवाएंगे एक दूसरे को फिर। ठीक है, तो मुझे क्या दिलवा रहे हो? तेरे को मैं व्लॉग के लिए सामान लेंगे, वैसे कुछ नहीं। वो देखो वो रास्ता है, वहां से जाओ जिम कर लो। तो कहां वहां, ये तेरा मेकअप वो है क्या शीशा? तो मैं ना अभी तो पता है सबकी ना प्रॉब्लम रहती है, आपकी तरफ से आता है कि इसकी आवाज़ ढंग से नहीं आती। एक तो ये पहले ऐसे बोलती है हेलो गाइस हाउ आर यू, अब इसकी आवाज़ तेज नहीं है, तो उसके लिए मैंने ना सोचा है कुछ। तो मैं इससे वैसे कुछ नहीं लूँगा, मतलब वैसे कुछ गिफ्ट नहीं लेंगे, बट हम अपनी ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ और गैजेट्स उठाएंगे ताकि हमारी ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस ताकि आपका एक्सपीरियंस और अच्छा हो सके। मैं जाता हूँ जिम करने, वाले पिटाई कर देगी मेरी बाय। मैंने सोचा था कि आज से मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूँगा, सुबह भी और शाम भी। सुबह को एब्स और कार्डियो और शाम को प्रॉपर वेट लिफ्टिंग, बट पता है सुबह को आँख ही नहीं खुलती भाई। मैं 4 अलार्म लगा के सोया था, 6 का, 6:15 का, 6:30 का, 7:45 का, 7 का, वो तो एक्स्ट्रा है 7 वाले तो ऊपर के, ताकि उठ जाऊँ, पर जब भी नहीं उठता मैं भाई, पड़ा हुआ सोता रहा, सारे अलार्म स्नूज कर दिए मैंने। फिर रितु से कहा कि एक काम करेंगे, कल मेरे को टाइम से उठा दो। कहती है हाँ कल तुम्हारा फिर कल हो जाएगा, कल तुम्हारा फिर कल हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उठूँ कैसे। मैं उठ सोचता हूँ कि सुबह उठूँ, थोड़ा कूदूँगा फादूँगा, ऐप्स वगैरह लगाऊँगा, थोड़ा ये मेरा कम हो जाएगा, बट ये होके नहीं दे रहा। सो भाई लोगों, वर्कआउट ख़त्म। आज मैंने ट्रेन किए ट्राइसेप्स, आधा घंटा किया कार्डियो, उसके बाद लगाए ऐप्स। अब चीज़ ये है कि मेरा 30 जो चैलेंज था वो हो गया ख़त्म। अब इनका कहना है कि मैंने भी हेल्प की है, तो आपको मुझे भी दिलवाना पड़ेगा और मैं आपको दिलवाऊंगी। तो मैं कंक्लूजन पे इस चीज़ पे पहुंचा हूं कि हम दोनों साथ में मिलके अपने ब्लॉगिंग चैनल के लिए थोड़े गियर्स खरीदेंगे, ताकि आवाज़ की क्वालिटी और मोमेंट्स की क्वालिटी और कैमरे की क्वालिटी, सब चीज़ें थोड़ा एनहांस कर सकें, ताकि जो भी हम जैसे स्टिल वीडियोज़ बनाते हैं या जो हम ब्लॉगिंग करते हैं उसमें कभी कभार क्या होता है कि आपको बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई आती होगी, जैसे कूलर वगैरह की या पंखे वगैरह की, और स्टिल वीडियो में भी पंखे वगैरह की थोड़ी आवाज़ आती है, तो उसमें मैं पीछे बैकग्राउंड डाल देता हूँ ताकि वो आवाज़ दब जाए। तो इन चीज़ों को हम ताकि अवॉइड कर सकें, इस चीज़ के लिए मैंने 2 गियर्स चूज़ किए हैं। वो गियर्स हम बैठ के करेंगे ऑर्डर, आज तो नहीं कल करेंगे, कल के ब्लॉग में पता चलेगा आपको क्या ऑर्डर्स मंगाए हैं। मैं सही बताऊँ अप्रोक्स इस टाइम मेरे पे कम से कम जो ब्लॉगिंग के गियर्स हैं, इंक्लूडिंग लैपटॉप, इंक्लूडिंग माई कैमरा, इंक्लूडिंग माई मोबाइल और जितने भी मेरे गियर्स हैं, सब कुछ मिला के कम से कम लगभग 130 से 140 के बीच में मेरे गियर्स का बैठा हुआ है साहब। आपने मेरे जैसा बेशरम इंसान नहीं देखा होगा, ये मुझे बैंगन बताती है और मैं ही कर देता हूँ। आप जो मुझे कुछ 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 बताते रहते हो भाई, जो भी पूछ रहे हो ना, रुक जाओ
जो भी पूछ रहे हो ना कि लव स्टोरी कब आएगी, 10,000 के बाद आएगी, शुक्रवार को आएगी, रात को 8 बजे आएगी। 10,000 पार कराओ पहले सब्सक्राइबर्स। है भाई, है भाई, देख रहे हो मोबाइल में लग रही है बात करती करती। देखो जो भी पूछ रहे हैं, सिंपल सी बात है, 10,000 सब्सक्राइबर जिस दिन पार हो गए उस दिन शुक्रवार, जो पहला शुक्रवार पड़ेगा, रात को 8 बजे लव स्टोरी हमारी वायरल हो जाएगी। मेरी बीवी इतने बड़े वाली है, देख रहे हो, ये जो खांसी जुकाम की आयुर्वेदिक की जो गोलियाँ होती है ना, मेरे मुँह में ला के दे दी और कह दिया देखो मीठी मीठी है, और खुद भी हो तो 3-4 मुँह में दर्द, मतलब यू हथेली पे ऐसा रखा हुआ। एक चीज बता, तो दवाई को भी दवाई समझ के नहीं खाती भाई, ये मीठी है। ये देखो दो बंदर लगे पड़े हैं, गेम में लगे पड़े होंगे पक्का। भाई गेम खेल रहे हो तुम? ओ इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं, पूरे देश में आप गिर जाओ, एस्ट्रॉइड गिर जाओ, एलियन आ जाओ, मोबाइल में लगे पड़े हैं। देखो ये पानी टंकी में खेलने पड़े। रिशु मजा आ रहा है? हाँ। देखे जरा पानी भरने। अच्छा पता चल गया। अच्छा पता चल गया, कैसे पता चला? यो कैसा आएगा उस पर वन लिखा है इसलिए नहीं तो वन नहीं। यो अरे रुक जा तू, मेरे को तो करने दे। देख रहे हो ये दोनों ना ऐसे लगे पड़े हैं जैसे ना मक्खी मिल गई और उसमें चींटी मरने के बाद, मक्खी मरने के बाद चींटियां उस पर हड़पने लग जाती है ना, तो ठा ठा के ले जाती हैं। देखो स्टिल दे यार, जीत गए। कैसे जीते भाई? अबे क्या तुक्काबाजी करी तूने, वो वन मैच से रुकना। मतलब ऐसे ऐसे उंगली मारा और जीत गए, वाह। मैंने सोचा थोड़ा सा झक मार लिया जाए, तो ऋषि बाबा कहते हैं इधर दिखाओ क्या कर रहे हो, मुझे सब पता है मैं करूंगा। क्या कर रहा है तू? अरे तू रुक जा, मेरे को दे दे इधर दे। तो गाइस इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही, इनका तो चलता रहेगा, देखो ये खेलते रहेंगे कूदते रहेंगे। इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यही बंद, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ दोबारा कल। जब तक के लिए गुड नाइट, अपना ध्यान रखें, अपने आप को सेफ रखें कोरोना से। और हाँ जितने भी लोग आप पूछ रहे हो ना कि भैया लव स्टोरी कब डालोगे, हमारी मैडम का सख्त इनायत आई है, इनके सख्त इंस्ट्रक्शंस आए हैं हमारे पास कि जब 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उसके बाद डाली जाएगी हमारी लव स्टोरी, चाहे वो मैं डालूँ, ये डाले, अकेले अकेले डाले या मिल के डाले। तो भैया दबा के जल्दी जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर करो, मेरे कॉल आ रही है, मैं जा रहा हूँ भाई। तो मैं आपको बता रहा था, जब मेरी एक्चुअली एक ऑफिस की कॉल आ गई थी, तो मैं भी आपको बता रहा था कि हमारी लव स्टोरी जब आएगी। हाँ बेटा हो गया, हमारी लव स्टोरी जब आएगी, जब 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू हमारी मैडम, है ना मैडम जी? सो जल्दी जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर कराओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो भाई, अपने घर वालों को शेयर करो, दोस्तों को शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतनी जल्दी 10,000 होंगे, उतनी जल्दी हमारी लव स्टोरी आपके सामने आएगी। इस सैटरडे संडे के लिए मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इस सैटरडे संडे के लिए कमेंट डाउन योर आइडियाज़, जो आपको लगता है कि हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं जिसे आपको देखने में मज़ा आए और हमें भी करने में मज़ा आए, ताकि हमारे पे आइडियाज़ भी आएँ, हमें करने में उस चीज़ को मज़ा आए, एंड वी विल डू दैट फॉर श्योर। जैसे पिछली बार एक किसी ने बताया था कि मेकअप चैलेंज करो, हमने करा, हमें भी मज़ा आया, आपको भी देखने में मज़ा आया। सो कमेंट डाउन दोज आइडियाज़ एज वेल। अगले व्लॉग में मिलते हैं कल, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, बाय।